वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद, हिंदी विभाग की ओर से हिंदी ऐच्छिक के छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से जो सेतु पाठ्यक्रम रखा गया है उसकी अब तक 4 तासिकाएं हुई हैं। 5वीं तासिका में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर से हम देखेंगे कि इस 5वीं तासिका में क्या है। इस 5वीं तासिका में हम भाषा के ही और अलग रूपों को देखना आरंभ करेंगे। अब तक की तासिकाओं में हमने भाषा क्या है समझा था, हिंदी भाषा का इतिहास क्या है समझा था, हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं समझा था, और उसके उपरांत हिंदी भाषा की शैलियां कौन सी हैं ये भी समझने का प्रयास किया था, जैसे कि संस्कृत, मिश्र हिंदी, दक्षिणी, उर्दू, हिंदुस्तानी वगैरह। साथ ही साथ हिंदी के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि राजभाषा का रूप है, प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप है, साहित्यिक भाषा का रूप है, वित्त वाणिज्य की भाषा का रूप है, उसके उपरांत विज्ञान और तकनीकी भाषा का रूप है। ऐसे अनेक रूप हिंदी के हमें मिलते हैं। उनमें से अधिक जानने के लिए सबको हम कहते हैं कि ये हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप है। लेकिन एक भाग जो हमारा रह गया था परसों वो है कि वैश्वीकरण में हिंदी भाषा का महत्व, उसकी ओर पहले जाएंगे और फिर प्रयोजन मूलक भाषा की ओर जाएंगे। तो वैश्वीकरण और हिंदी, इस टॉपिक को हम आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने इससे पूर्व कहा था कि 2 प्रकार के वैश्वीकरण हुए। पहला वैश्वीकरण इंग्लैंड के नेतृत्व में हुआ और दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। लेकिन ये वैश्वीकरण जो हो रहा है उस वैश्वीकरण के पीछे क्या भाव है, कैसे है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वैश्वीकरण से स्थूल रूप से अर्थ यह है कि विश्व में स्थित जो मानव जाति है जिसको हम मनुष्य कहते हैं, वो अपने क्षेत्र, जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के सीमित दायरे से निकल करके विश्व मानव बने, उस विश्व मानव के रूप में उसका विस्तार होना चाहिए। विश्व मानव के रूप में विस्तार, विश्व मानव के रूप में विस्तार का मतलब यह है कि अब हम लिंग, जाति, धर्म, उपासना पद्धति, देश, राष्ट्र, इनकी सीमाओं से बहुत दूर जा चुके हैं और एक मनुष्य के रूप में हम सामने आ रहे हैं। वैश्वीकरण को एक नया नाम आया है, विश्ववाद, और इसने अपनी मातृभूमि की सभी विभिन्नता और मातृभूमि धरती माता से जुड़ना संभव माना गया है। मतलब अपनी धरती माता के पुत्र होते हुए भी हम विश्व के पुत्र हैं, विश्व की चिंता कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं, फिर में आ रहे हैं बिल्कुल, तो वो हमें जरूरी है। और भारतीय संस्कृति में वैश्वीकरण पहले से विद्यमान है, जिसको हम कहते थे सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाद, ये विश्व की सबसे प्राचीन प्रधान संस्कृति है। और उसके उपरांत ये भी हमने देखने का प्रयास किया है कि वेदों में इस प्रकार का आया है वर्णन, यत्र विश्वम भवत्येक निडम, जिसमें जहां विश्व एक घोसला बन जाए। या फिर एक और ग्रंथ है जिसका नाम है, देखिए, पंचतंत्र, उसमें इस प्रकार का एक मन श्लोक आता है कि अयम निजम पुरोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरित्र नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र मान होते हैं उनके लिए पृथ्वी, सारा विश्व ही अपना घर, कुटुंब होता है, परिवार अपना होता है। ये वैश्वीकरण सही मायने में सच्चा था। लेकिन अब जो 2 वैश्वीकरण इंग्लैंड के और अमेरिका के आए हैं उसके पीछे अर्थ कारण है, उसके पीछे मानवता नहीं है, सिर्फ अर्थ कारण है। वो किस प्रकार से हम देखेंगे, इसमें अनेक नाम आते हैं। देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम थी, ये आदर्श था, अलग अलग भेदभावों को त्याग करके मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति परस्पर बंधुभाव से रहे, ये उसके पीछे का भाव था। तो ये विश्व परिवार है। अब वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जिसको कहते हैं, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो कहते हैं जिसके लिए हम खासगीकरण शब्द इस्तेमाल करते हैं भूमंडलीकरण के लिए, निजीकरण का, तो ये जो है ये यहां तक कहते हैं कि वैज्ञानिक सूचना और प्रगति के क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व एक ग्राम बन गया है। विश्व क्या बन गया है, ग्लोबल विलेज की संकल्पना है, और विश्व में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज अब पृथक नहीं रह सकता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
विश्व के कोने में छोटी सी कोई घटना घटती है तो उसके वैश्विक परिणाम हमें देखने मिलते हैं। जैसे कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो भारत में महंगाई आ गई, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, इंग्लैंड में भी महंगाई बढ़ गई। ये उसके कारण कोई भी छोटी सी घटना कहीं भी हो जाए उसके परिणाम संपूर्ण विश्व को भुगतने पड़ते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि विश्व के सारे लोग एक सामान्य सादी एकत्रित जीवनचर्या का परिपालन करें, तभी हम आएंगे आगे बढ़ पाएंगे। वैश्वीकरण का आदर्श रूप थोड़ा हमारे लिए मोहक लगता हो, लेकिन उसका यथार्थ रूप क्या है? नवपूंजीवादी साम्राज्यवाद। क्या है ये? नवपूंजीवादी साम्राज्यवाद। नवपूंजीवादी मतलब जो पूंजीवाद था जिसके खिलाफ मार्क्सवाद ने बहुत सारा काम किया, अब ये नया पूंजीवाद आ रहा है और जिसकी पूंजी होगी वही साम्राज्य करेगा इस प्रकार से। और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण विश्व पर साम्राज्य करने का प्रयास किया था और आज वही अमेरिका कर रहा है। इसमें आर्थिक सुधार हो रहे हैं और 90 के दशक में जब हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उनके काल में जो हमारे अर्थमंत्री वित्त मंत्री थे जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनके काल में हमने ये चीजें स्वीकार की। इसमें कुछ नए शब्द मिलते हैं जैसे कि आर्थिक सुधार है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, उदारीकरण है, ये सकारात्मक शब्द हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा षड्यंत्र भी नजर आता है। यानी एक आर्थिक प्रक्रिया है और इस आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हमारे सामने है। अब ये जो है ग्लोबलाइजेशन में सब भूमंडलीकरण नहीं, भूमंडलीकरण हो रहा है, बाजार हो रहा है, हर चीज खरीदी बेची जा रही है। मैं अपने मोबाइल के माध्यम से 2-3 दिन में मुझे जो पसंद है पुस्तक मैं ऑनलाइन मंगा सकता हूँ, मुझे जो चीज चाहिए स्टैंड है, ये मोबाइल जो दिख रहा है, ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाया है, ये भी ऑनलाइन आया हुआ है। इसका मतलब है कि आज देखिए कितने वेग से जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास अकाउंट होगा, जिसके पास करेंसी होगी, वो झट से ट्रांसफर करके वो अपना अपना काम करवा लेंगे। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता आ गई, एक प्रकार से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आई। और स्वतंत्रता का यहाँ अर्थ है कि अर्थ बाजार, बाजार की स्वतंत्रता से कोई भी यहाँ बच्चा बैठा हुआ उसको लगता है नाइकी के शूज मिलाने हैं लाने हैं तो 2 मिनट में अपने मोबाइल से ट्रांसफर करके 2-4 दिनों में उसके घर नाइकी के शू आ जाएंगे, कपड़े आ जाएंगे, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो ये जरूरी आपको समझना है कि ये जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है उसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं। इसके उपरांत देखिए कि मुक्त बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो चल उसमें चल करके अमेरिका तथा अन्य देशों ने संपन्नता हासिल की। अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है, आज के जो ग्लोबलाइजेशन का जो है वैश्वीकरण का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और अमेरिका संपन्नता प्राप्त कर रहा है। इसमें 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल मनी फंड कहा जाता है। और उसके माध्यम से ही आर्थिक क्षेत्र जो होते हैं सारे स्पेशल आर्थिक क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार हो गए हैं और उनके माध्यम से हमारी लूट हो रही है। वैश्वीकरण में मानवता का विस्तार, पूंजी का विस्तार हो विशेष करके पश्चिम और अमरीका की, और अमरीका के एक नाम जैसे इसका उल्लेख मैंने 2-3 बार किया था, हेनरी किसिंजर, बिल गेट्स के मंत्रिमंडल में थे वो, विदेश मंत्री अमेरिका के हेनरी किसिंजर ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि भूमंडलीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। वो वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण वस्तुतः अमेरिकी दबदबे का पर्यायवाची है, मतलब अमेरिकी दबदबा है। यह स्वाभाविक है कि दुनिया के देश अमेरिका की प्रगति को देखकर, उपलब्धियों को देखकर के अमेरिका का अनुसरण करे और अमेरिका ने जो अद्भुत धन अर्जित किया है उसकी ओर उसकी नकल करें। अब ये वाक्य है, इसे हमें नहीं भूलना है। ये कहाँ आया है? आलोचना नाम के हिंदी पत्रिका की 2003 की जुलाई सितंबर पत्रिका में 165 पेज पर आया है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने यह अपने व्याख्यान में कहा था कि भूमंडलीकरण वस्तुतः अमेरिकी दबदबे का ही पर्यायवाची है। यह स्वाभाविक है कि दुनिया के देश अमेरिका की उपलब्धियों को देखते हुए उनका अनुसरण करें। अमेरिका ने अभूत धन अर्जित किया हुआ है, अभूत मतलब न गिनने का बहुत कुछ। वह अमेरिका ने अभूत धन अर्जित किया है, पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई है,
नवीन औद्योगिक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह देते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के लिए हिंदी में शब्द है प्रौद्योगिकी, विकसित की है और अनगिनत प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार बनाया है। फलता हुआ संपूर्ण पूर्ण रोजगार, लगातार बढ़ती वास्तविक मजदूरी, उत्तरोत्तर वर्धमान उत्पादकता, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब जहां मराठी में चरम फुगटा कहते हैं वह, उसकी निम्न दर, अधिकाधिक समृद्धि, निरंतर आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार भूमंडलीकरण का पिछला दौर ब्रिटिश नेतृत्व में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वगैरह चला था, उसी प्रकार वर्तमान दौर के लिए अमरीकी नेतृत्व अपरिहार्य है। संसार को अमरीकी विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को अपनाना ही पड़ेगा, हमें लगभग अपनाया है, उसके सामने अन्य कोई विकल्प नहीं, ऐसा ही हेनरी किसिंजर ने कहा था। भारत के लिए वैश्वीकरण मूलतः आर्थिक आक्रमण तो है, लेकिन उसके भाषाई परिणाम भी है, पर साथ साथ में वो सांस्कृतिक आक्रमण भी है। अमरीकी पत्रकार, अगले पत्रकार हैं टॉमस फ्रीडमैन का कहना है कि भूमंडलीकरण की भूमंडलीकरण की अपनी प्रमुख संस्कृति है, जिस कारण उसकी प्रवृत्ति समरूप देखनी है सबको समान रूप से। सांस्कृतिक दृष्टि से कहें या पूर्णता न सही, मुख्यतः भूमंडलीकरण का अर्थ अमरीकीकरण है, मतलब बिग मैन से लेकर के मिकी माउस तक विश्व स्तर में प्रसार हो रहा है। यानी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिका की फिल्में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और ये क्या है, अंततः एक वैश्वीकरण साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है। अब इसका सम्राट बनेगा अमेरिका, अमेरिका जो कहेगा उसके पास सारी पावर, उसके पास विंडो पावर है, वो किसी पर हम बॉम्बे डाल सकते जैसे जापान पर डाल, लेकिन उसने किसी ने कुछ नहीं कहा, ये ताकत इनके पास है। विश्व बाजार के साथ एक नई उपभोक्ता संस्कृति का प्रचार प्रसार बड़े वेग गति से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव अपने देश की संस्कृति पर, समाज पर और अंततः भाषा और साहित्य पर भी देखा जा रहा है। और आज साहित्य बहुत वेग से चल रहा है वैश्वीकरण और भारतीय भाषा में, ध्यान रखें। दुनिया के बहुत बड़े समाजशास्त्री ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि किसी भी जाति या राष्ट्र की विरासत उसकी सार्थक सृजनशीलता को बचाने के लिए, और उसकी भाषाओं को बहुत महत्व देना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को अगर आगे आना है तो उसके लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपनी भाषाओं को संरक्षित करे, और ये अर्थ तत्व जो है वो पूरी तरह से उसे नष्ट कर रहा है। जिस प्रकार से अमरीकी का साम्राज्य आ गया राष्ट्र की दृष्टि से, उसी प्रकार से भाषा की दृष्टि से अंग्रेजी का साम्राज्य आ गया, और ये तोड़ने की बहुत जरूरत है। और हर क्षेत्र में मातृभाषा देने वाली शिक्षा संस्थाएं अब बंद हो रही हैं और अंग्रेजी माध्यम की अधिक चल रही है, ये बहुत प्रकार के हो रहा है। इसलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के दौरान अंग्रेजी के आक्रमण से देशी भाषाएं कमजोर हो रही हैं और कई भाषाएं लुप्त हो रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि देशी भाषाओं को मात्र बचाना नहीं, उन्हें सक्षम भी बनाना, मतलब अंग्रेजी में जो व्यवहार किए जा सकते हैं वो हमारी भारतीय भाषाओं में भी होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए, मराठी में होनी चाहिए, संस्कृत में होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए, तमिल में होने चाहिए, मलयालम में होने चाहिए, कन्नड़ में होने चाहिए, तेलुगु में होने चाहिए, उड़िया में होने चाहिए, गुजराती में होने चाहिए, कश्मीरी में होने चाहिए, डोगरी में होने चाहिए, बोडो में होने चाहिए, असमिया में होने चाहिए, राजस्थानी हिंदी में होनी चाहिए, हर ओर की हिंदी में होनी चाहिए। और यही एक सही मायना होगा कि हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति को प्रकट करने का एकमात्र साधन हमारा भाषा है। अब देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है या आ चुकी है 2020 में, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हो पा रही, जो आपको डिजी लॉकर निकालना पड़ रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट निकालना पड़ रहा है, उसके साथ ही ये जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को बहुत महत्व दिया है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और पूर्व शिक्षा मंत्री जिनके काल में शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई और उस माध्यम से भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने का निश्चय कर लिया, और ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है। अब हम ये देखें कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का
क्या महत्व है, इस विषय को लेकर हम जल्दी जल्दी कुछ बातें कहेंगे। ध्यान रहे, भारत एक बहुभाषी देश है और 1951 की जनगणना को देखिए, लगभग 50 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले हो चुकी थी। उसके अनुसार उसमें उसके बाद भाषाई गणना नहीं हुई है, तो उसमें क्या हुआ कि लगभग भारतवर्ष में लगभग कितनी भाषाएं हैं, 169 भाषाएं और 544 स्थानीय बोलियां थी, भाषाएं थी। 61 में वो और 71 की जनगणना में वो मतलब 1652 भाषाओं की गणना हुई थी। और स्थानीय और विशेष भाषाएं छोड़ते हैं तो हमारी ये 22 भाषाएं जो संविधान सम्मत है, जिनमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, उसके बाद गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संस्कृत, संथाली, हिंदी, सिंधी और हिंदी, ये हमारी 22 भाषाएं हैं। कम से कम इन भाषाओं की तो रक्षा होनी चाहिए। अगर इन भाषाओं की रक्षा नहीं हुई तो हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, हमारे साहित्य की रक्षा नहीं होगी। और ये जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं का प्रयोग करने वाले लगभग भारत में 90% लोग हैं, और 10% ऐसे लोग हैं जो इन 22 भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। पहले हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी 14 भाषाएं थी? असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, पंजाबी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू। बाद में इसमें सिंधी भाषा जोड़ दी। फिर उसके उपरांत 92 में 71वें संविधान संशोधन, जिसे हम घटना दुरुस्ती कहते हैं, उसके अनुसार उसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भी सम्मिलित किया गया। और 2003 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ, उस संशोधन के माध्यम से और भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये 8वीं अनुसूची है संविधान की, हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें ये 22 भाषाएं हो गई। पहले 14 थी, 15 हो गई, 18 हो गई, अब 22 है। और साथ ही साथ एक अंग्रेजी भी चल रही है, मतलब 23 भाषाओं में हम व्यवहार करते हैं अधिकतर। भारत की विविधता भारतीय समाज की विलक्षणता है, और ये भाषाएं ही अपने अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ प्रयुक्त हो रही हैं। और भारत के क्षेत्र के बाहर भी भाषा क्षेत्र के लिए हिंदी का भाषा का प्रयोग होता है। जैसे कि भारत के बाहर पाकिस्तान में हिंदी का प्रयोग होता है, बांग्लादेश में हिंदी का प्रयोग होता है, नेपाल में तो होता ही है, श्रीलंका में हिंदी का प्रयोग होता है, बर्मा में हिंदी का प्रयोग होता है, मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग होता है, फिजी में हिंदी का प्रयोग होता है, वेस्ट इंडीज में होता है, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, जर्मनी में होता है, जापान में होता है, इंडोनेशिया में होता है, इंडो चाइना में होता है, कंबोडिया में होता है, सिंगापुर में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, सुदान में होता है, सभी जगह हिंदी आज चल रही है। और इसका कारण क्या है कि अंग्रेजों ने यहाँ से कुछ लोग गन्ने की खेती के लिए ले गए, और उस गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस में, फिजी में वगैरह चले गए, और वे अपने साथ रामचरितमानस ले गए। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना, और उसके माध्यम से वह अपनी संस्कृति की वहां रक्षा कर पाए। अब उसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण बात आई कि कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका में गए, वहां जाकर के बस गए, नौकरी के लिए बस गए। और ये जो नई सूचना की क्रांति हुई है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, संगणक क्रांति, सॉफ्टवेयर क्रांति जो हुई है, उसमें अधिकतर जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उसमें 50% से भी ज्यादा भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो वो अपने साथ अपनी भाषा ले गए, और सभी ओर ये भाषा बढ़ती रही। मेरे मित्र भी हैं, रंजीत चांदोली नाम के, पुणे के हैं, वे अब अमेरिका में हैं, और उनकी बात हमारी हर रोज व्हाट्सएप कॉल पर होती रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से हो सकता है कि अन्य भी इस प्रकार से हम। अब देखिए, अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने भारतीय भाषाओं का दरकिनार करके अंग्रेजी और अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया। आज हम कंपल्सरी अंग्रेजी के जीवन में जी रहे हैं, और यही गौरव बंगाली की नीति थी, और इसका विरोध आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया जा रहा है। और देखिए कि आगे लॉर्ड मैकले का नाम यहाँ आया। लॉर्ड मैकले जिसने एक लॉर्ड मैकले मिनट नाम से एक शिक्षा की प्रस्ताव रखा था, और उस माध्यम से अंग्रेजी माध्यम बन गई। हालांकि उस समय में लॉर्ड मैकले के समय जो वाइसराय थे उन्होंने भारतीय लोगों के सामने दो पक्ष रखे थे, एक आप संस्कृत महाविद्यालय चलाने हैं या अंग्रेजी महाविद्यालय चलाने हैं। तो उस समय के तथाकथित
समाज सुधारक जिनका बहुत आदर से नाम लिया जाता है, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी को महत्व दिया था तब से लेकर के आज हम अंग्रेजी के गुलाम है। ध्यान रहे हमारे पीछे से जापान में अंग्रेजी नहीं चलती, सारे काम वो जापान में कर लेते हैं। चीन में अंग्रेजी नहीं चलती, वो सारा का सारा काम चीन चीनी भाषा में कर लेते हैं, मंडेरियन भाषा में कर लेते हैं। जर्मनी में, इटली में, ग्रीस में कहीं भी अंग्रेजी भाषा नहीं चलती, लेकिन उन्होंने अपनी प्रगति कर ली और हम अंग्रेजी के गुलाम होकर के प्रगति कर नहीं पा रहे हैं। देखिए देशी चेतना भी इसमें आ गई और 1990 के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक प्रकार की क्रांति और अमेरिकी जो भूमंडलीकरण हुआ था 1990 के दशक में, उसमें तो धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारी संपूर्ण मानवता, हमारे हम सारे लोग एक देशी चिंगारियों को राख में तब्दील होकर रहे हैं और भूमंडलीकरण का जमाना कंप्यूटर इंटरनेट बाजार तंत्र का है और इसकी भाषा अंग्रेजी है। इसलिए व्यक्त किया जा रहा है कि हिंदी के स्थान पर अब अंग्रेजी देश की एकमात्र संपर्क भाषा बनेगी, ऐसे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ अंग्रेजी की पिट्ठू लोग जो है, अंग्रेजी का लोग हैं, वह अपने आप को देश के स्वतंत्र नागरिक नहीं मानते, वो अंग्रेजी के गुलाम बनना चाहते हैं और बहुत सारी बातें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करके अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी को तोड़ करके हम भारतीय भाषाओं में बात करें और अंग्रेजी अनुवाद का सहारा लें। अब देखिए मैंने उदाहरण चीन का दिया था, चीन में देखिए आज औद्योगिक क्रांति इतनी बड़ी पड़ गई है, अंग्रेजी मेड इन चाइना हर चीज मोबाइल से लेकर के कंप्यूटर तक सब कुछ वहाँ निर्माण हो जाता है, वहाँ में आकर बैठ गए। यहाँ का हमारा आकाश कंदील भी हम बना नहीं पाते, वहाँ से आ गया है और इसका कारण ये कि उन्होंने अपनी भाषाओं के माध्यम से किया। फिर एक बात महत्व यह है कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व उसके तीन चार माध्यम से होता है, व्यवसाय के माध्यम से, संचार माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीकी राजभाषा के माध्यम से और संस्कृति के माध्यम से। इसमें हम देखें तो सबसे पहला है कि उद्योग व्यापार और हिंदी। आप जानते हैं कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यहाँ हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया चाहिए और उस दृष्टि से हिंदी का इतिहास अगर देखा जाए तो वह जनाश्रय में बोली है, राज्याश्रय में ज्यादा नहीं बोली। अंग्रेज राज में भी हिंदी सरकार की भाषा नहीं थी लेकिन व्यापार की भाषा थी। यहाँ तक कि हिंदी का पहला वाक्य जो ऐतिहासिक वाक्य है, जैसे कि मराठी में चामुंड राय कर गए, मराठी का ऐतिहासिक भाषा है वाक्य है, उसी प्रकार हिंदी का पहला वाक्य है तेरे मेरे तित्व न, बाजार की भाषा थी हिंदी। और इसका लाभ वहां आधार हमारे में से अब 130 करोड़ हम हैं, इस 130 करोड़ में से 70% लोग, 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी को समझते हैं, इसलिए उसे संपर्क भाषा मानना ही पड़ेगा, अंग्रेजी का यह साम्राज्यवाद तोड़ना ही पड़ेगा उस दृष्टि से। और देखिए आधुनिक कॉरपोरेट जगत का जगत के लिए हिंदी को समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हिंदी भाषा का महत्व है। मैं उदाहरण आपको दूं, उद्योग व्यवसायों में जो पहले एडवर्टाइजमेंट आते थे, विज्ञापन आते थे, वो क्या था, एक उदाहरण मैं बताऊंगा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, पेप्सी का था, लेकिन बाद में बदल गया, ये प्यास है बड़ी तक आ गया, मतलब नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट पूरा अंग्रेजी वाक्य था, लेकिन वो धीरे धीरे बदलते बदलते ये प्यास है बड़ी यहां तक आ गए, मतलब सारे हिंदी वाक्य आ गए। पहले विज्ञापन केवल अंग्रेजी में होते थे, अब हिंदी में होने लगे, भारतीय भाषाओं में होने लगे हैं, ये बहुत वेग से बदलने वाली प्रणाली। और वैश्वीकरण का मूल आधार व्यापारीकरण है और भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी देश है, सबसे बड़े खरीदार यहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ है, इस वजह से व्यापार की दृष्टि से हिंदी बहुत बड़ा ध्यान आ सकती है। और यहाँ और ये व्यापार कहाँ होते हैं, ये व्यापार करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं, उनमें संचार माध्यम है, चाहे वो मुद्रित माध्यम पेपर हो। आजकल देखो पहले तो केवल तो विज्ञापन के माध्यम से, चाहे वो विज्ञापन मुद्रित हो, चाहे श्रव्य रेडियो पर का हो, चाहे दृश्य टेलीविजन पर का हो, चाहे सिनेमा का हो, इस माध्यम से विज्ञापन वैश्वीकरण के खुले बाजार में एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और विज्ञापन जो करेगा उसी का व्यापार बढ़ेगा। और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं ने विज्ञापन पर कब्जा कर लिया है,
विज्ञापन जगत भारतीय भाषाओं को महत्व दे रहा है और उसमें सबसे ज्यादा आगे हिंदी है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, आकाशवाणी, टेलीविजन, दूरदर्शन, ये सब अब व्यवसाय बन चुका है और समाचार पत्रों में भी अब अंग्रेजी की प्रतिष्ठा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी, दैनिक भास्कर और जागरण जैसे। दैनिक भास्कर और जागरण जैसे, हाँ, कोई आया है तो दरवाजा खोल करके आ सकता है। तो पत्र पत्रिकाओं की खपत हिंदी की ज्यादा है और एफएम रेडियो चैनल हिंदी के अरबों में जुड़े हुए हैं। परसों हमने तेरना का कार्यक्रम लिया था, शायद उसमें क्या तेरना रेडियो चैनल का, वो कोई साधारण व्यक्ति भी एक रेडियो चैनल बना पा रहा है। दूसरी तीसरी चीज है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके माध्यम से भी बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और आधुनिक सूचना तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते समूचे विश्व की दूरियां सिमट गई हैं। अब कोई दूर नहीं रहा, सब एकत्र आ गए, विश्वग्राम बन चुका है, उस विश्व से ग्लोबल विलेज बन चुका है। इसमें भले ही अंग्रेजी का बोलबाला हो, लेकिन अब हिंदी के भी सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। हिंदी ऐच्छिक, हिंदी का कौन सा विषय है? सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। इंटरनेट पर भी हिंदी की वेबसाइट विद्यमान है। देश में इंटरनेट अब महानगरों तक नहीं, ग्राम ग्राम तक आ गया है, चल रहा है धीरे धीरे। उसके बाद विज्ञान और तकनीकी में भी हिंदी चल रही है। मैं 2015 में भोपाल गया था, भोपाल विश्व हिंदी सम्मेलन था, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। उसमें मैंने देखा कि वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक विद्यापीठ विश्वविद्यालय खुला है, उसमें सभी विषयों की शिक्षा हिंदी माध्यम से दी जा रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे अब वो स्थिति आ रही है। तो उसी प्रकार से विज्ञान की भी शिक्षा अब हिंदी माध्यम से जा रही है। नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं, नई नई तकनीकें देशों से आ रही हैं, उनकी भाषा भले ही अंग्रेजी हो, लेकिन अब उसका अनुवाद हिंदी में कर करके, अन्य भारतीय भाषाओं में कर करके तकनीकी संभव हो जाएगा धीरे धीरे। और ये मानसिकता बदल रही है। कुछ लोग ये मानते थे कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हो रहा है। भारतीय भाषाएं विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कर रही हैं और 10वीं 12वीं तक की विज्ञान की शिक्षा के लिए भी भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अब यह एक नई सर्कुलर आया है BSc के छात्रों के लिए भी। BA BSc के छात्र भी अपनी परीक्षाओं के उत्तर भारतीय भाषाओं में लिख सकते हैं। समझिए, बॉटनी, जूलॉजी, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र का कोई छात्र अगर मराठी में उत्तर लिखना चाहता हो, हिंदी में उत्तर लिखना चाहता हो, तो अब वो लिख सकता है। ऐसा सर्कुलर भी आया है विश्वविद्यालय की ओर से। अब धीरे धीरे ये सब होगा। अब इसके उपरांत राजभाषा के रूप में हिंदी, इसका कभी बात में ज्यादा डिटेल में देखेंगे, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, उस राजभाषा हिंदी में देखिए संविधान में राजभाषा के रूप में अष्टम सूची में 22 भाषाएं स्वीकृत की गई है। हिंदी संघ की राजभाषा है, भारतीय संघ जो है या केंद्र सरकार का है, तो उसकी राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी भी संघ राजभाषा है। और वैश्वीकरण के दौरान व्यापार, व्यवसाय, जनसंचार माध्यमों में हिंदी प्रमुख भाषा बन गई है, लेकिन कार्यालयों में अभी भी अंग्रेजी चल रही है। अब उस मानसिकता को बदल करके कुछ लोग हिंदी में भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बुनियादी महत्वपूर्ण मूलभूत बात यह है कि सरकार राज जवाबदेह हो, और जवाब किसी भाषा में नहीं हो सकता, वो जनभाषा में होता है, जन जनमन की भाषा में होता है। इसलिए हिंदी में ये सारी चीजें हैं। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति का महत्व, अब ध्यान रखिए कि रामदेव बाबा जी के काल योग का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया, सारा विश्व अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मना रहा है, बराबर है 21 जून को। तो ये उसी प्रकार से भारत की बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है, वो उसका अनुकरण विदेश वाले लोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय का नाम भी अग्निहोत्र विश्वविद्यालय है, अग्निहोत्र यज्ञ जिसे कहा जाता है, उसके माध्यम से वो लोग वहां से हैं। वहां गाय पर संशोधन किया जा रहा है, वहां भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर संशोधन किया जा रहा है। हिंदी के छात्र दरवाजा खोल करके अंदर आ सकते हैं,
देखो अगर मैं ये तो छोड़ दू, अब देखिए भारतीय संस्कृति का जो पाश्चात्यकरण हो रहा है हुआ है वह अब धीरे धीरे अमेरिका की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उस संस्कृति के चलते एडिक बन गया है, मधुमेह हो रहा है, लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो दवाइयां ले रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारी आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है, हमारा योगाभ्यास है, इसके माध्यम से नई चीजें हम सीख सकते हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आज के लिए जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार कौन कर रहा है, टेलीविजन और फिल्म है, तो इसमें भी अब अच्छी बातें सांस्कृतिक बातें आना आरंभ हो चुका है। जैसे राम सेतु जैसी फिल्म आ रही है, कंदरा जैसी फिल्में आ रही हैं, आनारा जैसी फिल्में आ रही, जो भारतीय संस्कृति को महत्व दे रही है और उस माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। अब ऐसी विषम स्थिति में जब भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति का मुकाबला करना पड़ रहा है तो हिंदी को अपनाना ही पड़ेगा, और ये हिंदी का अपना जो सांस्कृतिक योगदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, क्योंकि हिंदी में राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, प्रेमचंद हैं, जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, और वह पाश्चात्य अंध संस्कृति अपसंस्कृति का विरोध करके भारतीय संस्कृति की रक्षक भी हिंदी भाषा है, और इस दृष्टि से हिंदी भाषा का महत्व बढ़ रहा है। और विश्व के सभी देशों में आज अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, इस माध्यम से हिंदी भाषा का महत्व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जहां हिंदी चल रही है। मैंने अभी कहा था पाकिस्तान में हिंदी चलती है, बांग्लादेश में हिंदी चलती है, श्रीलंका में हिंदी चलती है, नेपाल में हिंदी चलती है, भूटान में हिंदी चलती है, चीन में हिंदी चलती है, उसके उपरांत जापान में हिंदी चलती है, वेस्ट इंडीज के द्वीपों में चलती है, मॉरिशस में चलती है, मेडागास्कर में चलती है, दक्षिण अफ्रीका में चलती है, सूडान में चलती है, जापान में चलती है, फिजी में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, न्यूजीलैंड में चलती है, सभी और हिंदी है आज। और ये वैश्वीकरण के माध्यम से, हिंदी के वैश्वीकरण के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। अब हम हमारे आज के दूसरे टॉपिक प्रयोजन मूलक हिंदी पर संस्कृत तौर पर नजर दौड़ाएंगे। देखिए प्रयोजन मूलक भाषा जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है, मराठी में उपयोजित भाषा कहा जाता है, वो है क्या? प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा से तात्पर्य क्या? देखिए भाषा मानव जीवन की एक सामाजिक अनिवार्य वस्तु है। उसका भाषा का उद्भव विकास और अंत मानवीय समाज के साथ होता है, और ये भाषाई प्रयोजनों तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु विभिन्न प्रयोजनों को संप्रेषित करता है। भाषा के दो आयाम होते हैं, सौंदर्य परक आयाम जिसमें हम कविता, कहानी, गीत, उपन्यास वगैरह साहित्य है, और दूसरा है प्रयोजन पर, मतलब साहित्य भाषा का एक प्रयोजन मात्र है, लेकिन साहित्य के अलावा भी, वाङ्मय के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग होता है, उसको प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ये भाषा जो है जो प्रशासन में प्रयुक्त होती है, व्यवस्था में प्रयुक्त होती है, टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होती है, तो इनमें प्रयोगी बनकर के भाषाई प्रकार निभाती है। संक्षेप में सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा को प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। कौन सा? सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। अब ये नामकरण कैसे आ गया? प्रयोजन मूलक के लिए, प्रयोजन मूलक के लिए अंग्रेजी शब्द है फंक्शनल,
और इस फंक्शनल के माध्यम से उसका हिंदी पर्याय किया गया है। अंग्रेजी में जिसको फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है उसके लिए हिंदी में प्रयोजन मूल्य के लिए नामकरण आया हुआ है। हालांकि अनेक विद्वानों के मतभेद है कि इसको क्या कहा जाए, और इसमें बहुत सारे शब्द आ गए हैं। तो पहले ये समझें कि प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है। प्रयोजन शब्द का अर्थ है गोष्ठ अर्थ। प्रयोजन मूलक शब्द हिंदी की उस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है जो हिंदी में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग स्तर पर विद्यमान होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का जो नामकरण हुआ उसमें दो तीन नाम यहाँ महत्वपूर्ण आते हैं। एक है फंक्शनल हिंदी अंग्रेजी के तौर पर देखा, फिर कुछ लोगों ने इसे कामकाजी हिंदी कहा, कुछ लोगों ने इसे कार्मिकी हिंदी या हिंदी कार्मिकी कहा, कुछ लोगों ने व्यावहारिक हिंदी कहा, कुछ लोगों ने व्यावसायिक हिंदी कहा, और अंत में प्रयोजन मूलक हिंदी नाम यह उसका सिद्ध हो गया, वो अब चल पड़ रहा है। बहुत सारे नाम हैं जिनमें डॉक्टर शंकर किशन कंचन शर्मा ने इसे हिंदी कार्मिकी कहा, और उन्होंने इसमें पत्रकारिता अनुवाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषय इसमें आ जाते हैं। प्रसन्न नायक ने इसे व्यावहारिक हिंदी कहा, उनके माध्यम से कि प्रयोजन मूलक के विरोध में देखा जाए तो निष्प्रयोजन और बिना प्रयोजन कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने व्यावहारिक शब्द लिया है। डॉक्टर नगेंद्र ब्रजेश्वर शर्मा जी ने इसे प्रयोजन मूलक नाम को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, और प्रयोजन मूलक हिंदी इस शब्द का प्रयोग करने वाले एक दक्षिण के विद्वान थे जिनका नाम है मोटोरी सत्यनारायण राव। मोटोरी सत्यनारायण, ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी ये नाम इन्होंने दिया है और इन्होंने इसका ज्यादा प्रचार किया। और उन्होंने क्या प्रयोजन मूलक हिंदी की व्याख्या करते समय क्या ध्यान देखें, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लिए जाने वाली हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है, और ये प्रयोजन मूलक हिंदी ये नाम उन्होंने दिया हुआ है। इतना ध्यान रखिए कि मोटोरी सत्यनारायण इसके जनक है। अब कुछ विद्वानों ने इसे वेबसाइट वगैरह कहा, इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब पहले ये देखें कि प्रयोजन मूलक में क्या है। प्रयोजन मूलक शब्द में प्रयोजन और मूलक शब्द लगाने प्रत्यय लगाने से यह शब्द बना है प्रयोजन मूलक। इसका अर्थ यह होता है कि उद्देश्य और आधारित, उद्देश्य पर आधारित, प्रयोजन पर आधारित यह भाषा है। और आगे चल करके देखा जाए तो भारतीय हिंदी साहित्य में जो अलग अलग विधाएं हैं उनके लिए हिंदी को राजभाषा पद पर आसीन करना आवश्यक हो गया था, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विस्फोट के कारण, प्रस्फुटन के कारण हिंदी अब और बढ़ रही है। विज्ञान में गुणसूत्रों सिद्धांतों के नए प्रयोगतम विधियों के लिए भी हिंदी आ गई है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा से हमें न्याय दर्शन तर्कशास्त्र चिकित्सा शास्त्र मनोविज्ञान गणित इत्यादि के शब्द हमारे पास पहले थे, लेकिन अब चिंतन मनन परंपरा ने हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करना सर्वश्रेष्ठ होता। फिर भी ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र कंप्यूटर इंजीनियरिंग अंतरिक्ष विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार वगैरह वगैरह के कारण अब नए नए शब्द भी हम स्वीकार कर रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, और इनके माध्यम से साहित्य के अलावा जिन जिन क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है भाषा उसको प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रशासन विधि वाणिज्य व्यवसाय दूरसंचार पत्रकारिता पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित खेलकूद उनकी पारिभाषिक शब्दावली पदावली इन सब के लिए प्रयोजन हिंदी का पुनर्गठन करना आवश्यक है। इसलिए इसी को इस प्रयोजन के लिए अनेक प्रयोगों में विस्तार के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को यहां स्वीकार किया जाता है। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, अब यहां से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है, वो इंट्रोडक्शन हुआ है। इसमें देखिए अनेक विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें से मोटोरी सत्यनारायण राव जी का नाम पहले हमने दिया था। उन्होंने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी, मतलब जीवन के अन्य जितने भी क्षेत्र है, केवल साहित्य नहीं, केवल पढ़ाई नहीं, इसके साथ साथ अन्य भी कार्यालय है, खेलकूद है, या अन्य जितने भी प्रयोग है, तकनीकी है, विज्ञान है, सब में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। डॉक्टर प्रभात ने कहा कि कामकाजी भाषा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का आधार बनती है, वह अनुभव के अंश निकाल लेती है, अतः वहां तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते हैं। कामकाजी भाषा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट तथ्य और सिद्धांत के समन्वय से प्रणाली काम करती है, ऐसा प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा डॉक्टर प्रभात ने की हुई है।
उसके उपरांत दिलीप सिंह कहते हैं, जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी है, प्रयोजनमूलक हिंदी है। डॉक्टर विनोद गोधरे कहते हैं, जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं तथा अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा, तंत्र, जीविकोपार्जन मतलब नौकरी करने के लिए विशेष अभ्यास ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्त इकाइयों एवं संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यवहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। अब ये प्रयोजनमूलक भाषा क्या होती है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी? पहली है, ये विशिष्ट भाषा है, ये सामान्य भाषा नहीं है, अभी तो ये विशिष्ट भाषा है। उसके उपरांत ये कृत्रिम और औपचारिक भाषा है, कृत्रिमता या औपचारिकता इसकी दूसरी विशेषता है, ये सामान्य भाषा नहीं है। तीसरी है कि ये अर्जित संपत्ति है, इसे कमाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। फिर इसकी प्रयोजनपरकता इसमें है पारिभाषिक एवं अभिधापरकता, मतलब एक शब्द का एक ही अर्थ, इसे अभिधापरकता कहा जाता है, इसे लक्षणा और व्यंजना के अंतर्गत ये नहीं आता, ये इसकी विशेषताएं हैं। उसके उपरांत अगली विशेषता है प्रयुक्तिपरकता, और प्रयोजनमूलक हिंदी के बहुत सारे रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी का पहला रूप आता है तकनीकी हिंदी, तकनीकी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो तकनीकी विषय है, टेक्निकल विषय है, जिनमें से अलग अलग क्षेत्र विभाग हैं, इसमें इंजीनियरिंग है जिसको हम अभियांत्रिकी कहते हैं, कारपेंट्री मतलब जो लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, लोहार का काम करने वाले लोग हैं, प्रेस है, फैक्ट्री है, मिल है, इत्यादि में प्रयुक्त होने वाली भाषा को उन्होंने तकनीकी भाषा कहा है। इसके उपरांत समाज शास्त्रीय भाषा आ जाती है, जिसमें समाज शास्त्र के विषय आते हैं, समाज विज्ञान के मतलब दर्शन शास्त्र जिसको हम फिलोसफी कहते हैं, योग शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र या राज्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, इत्यादि प्रयुक्त होने वाली भाषा को समाज शास्त्रीय हिंदी कहा जाता है। इसके उपरांत साहित्यिक हिंदी, आप जानते हैं कि हम साहित्य पढ़ रहे हैं, जोशी सर आपको कविताएं पढ़ा रहे हैं, खंड काव्य पढ़ा रहे हैं, वैसे जो उच्चतम साहित्यिक आनंद देने वाली है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध या अन्य जितनी विविधाएं हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाली हिंदी को साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। फिर सामाजिक हिंदी, सामाजिक कार्यकर्ता जो हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे सामाजिक हिंदी कहा जाता है। प्रशासनिक हिंदी या राजभाषा हिंदी, प्रशासन के जितने भी कार्य होते हैं मतलब सरकारी कार्यालयों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसको प्रशासनिक हिंदी कहा जाता है। और जनसंचार माध्यमों में से ये जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, अब इंटरनेट, इसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा है। और प्रयोजन मूल्य हिंदी के जो विविध रूप हैं इनमें से क्या क्या चलता है, इनमें प्रयोजन मूल्य हिंदी का जो स्वरूप और प्रयोग क्षेत्र है बहुत बड़े हैं, और इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार राज्य सरकार और राज्य सरकार आपस में जुड़ने में व्यवहार करते हैं। कौन कौन से? प्रशासनिक पत्र व्यवहार हो, विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद की कार्यवाही हो, संसदीय कार्यवाही मतलब लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही हो, कार्यालय पत्राचार हो, सरकारी सर्कुलर्स हो, संकल्प हो, अधिसूचना हो, प्रेस विज्ञप्तियाँ हो, आयोग समितियाँ, अभिकरण, मसौदे, निविदा, फॉर्म, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली विधि, बैंकिंग का व्यवहार, इन सब में ये प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयुक्त होती है। दूसरी ओर व्यावसायिक पत्र है, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया है, रिक्शा के माध्यम है, सिनेमा, टेलीविजन जैसा, वेब सीरीज जैसा, फिर डाकघर का है, इसमें भी ये प्रयोजनमूलक हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जीविकोपार्जन में ध्यान रखिए, साहित्य आपको जीविकोपार्जन नहीं दिला सकता लेकिन भाषा आपको जीविकोपार्जन दिला सकती है। जैसे देखिए पुराने जमाने में एक श्लोक आता है, बुभुक्षित और व्याकरण में भुंजते, भूखा व्यक्ति व्याकरण खा करके आपका पेट नहीं भर सकता, पिपासित हो काव्य रस न पिएते, जिसे प्यास लगी है वो काव्य रस पी करके उसकी प्यास दूर नहीं होती, उसके लिए ठोस जल चाहिए, ठोस अन्न चाहिए, और ये कमाने का साधन क्या है? भाषा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके उपरांत हम देखें प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में काफी विस्तार हो चुका है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उच्च साहित्यिक रूप में हिंदी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्रशासन, बैंक, विधि मतलब न्याय, कायदा, इसमें भी हिंदी प्रयुक्त हो रही है, और ये प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप
अलग पद्धति से निर्माण होने जा रहा है। इसके उपरांत देखें कि कहाँ कहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयुक्त होती है। विविध प्रकार के शासकीय पत्राचार, प्रशासकीय पत्राचार, वैज्ञानिक तकनीकी विषय जैसे भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र के अनुप्रयुक्त विज्ञान जितने हैं जिनमें सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक, धातुकर्म जिसको मेटलर्जी कहा जाता है, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फिर उसके बाद रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्र और उससे संबंधित जो जो विषय हैं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक, उर्वरक मतलब जिसे खाद कहा जाता है खत, फिर गणित और गणित से संबंधित जितने विषय हैं गणित हैं, ज्योतिष है, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जितने भी है जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जीवशास्त्र है, जैव प्रौद्योगिकी है, अनुवांशिकी है, कृषि है और कंप्यूटर से संबंधित विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री है, इन सब में प्रयोजन मूलक हिंदी है। इसके उपरांत देखा जाए तो जनसंचार माध्यमों से संबंधित सारे क्षेत्रों में जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, हैंडबिल हैं, पैम्पलेट हैं, पोस्टर, विज्ञापन, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, सीरीज वगैरह, इन सब में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। अर्थ मुद्रा संबंधित जितने भी विषय हैं, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, बीमा, उद्योग, शेयर मार्केट, यहाँ भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है जो प्रयोजन मूलक हिंदी है। फिर देश रक्षा संबंधी सेना है, पुलिस है, एनसीसी है, यहाँ भी हिंदी का प्रयोग होता है। विधि न्याय से संबंधित, कायदे से संबंधित सांसद है, विधानसभा है, विधान परिषद है, न्यायपालिका है, कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, खंडपीठ है, उसके नगर पालिका है, महानगर पालिका है, पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सभी में। और मानविकी विषय संबंधित जैसे कि इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, राज्यशास्त्र है, अलग अलग कलाएं हैं, मनोविज्ञान है, इन सभी क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता रहता है। और प्रयोजन मूलक हिंदी का व्यवहार क्षेत्र कौन कौन सा है, यही जो अभी हमने कही लगभग वही इसमें आ जाते हैं। खास करके इसमें देखिए शासन के, केंद्र शासन के पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, विधानसभा और विधान परिषद, संसदीय, लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाहियाँ, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्प होते हैं, सरकारी रेजोल्यूशंस होते हैं, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, अलग अलग आयोग होते हैं, अलग अलग समितियाँ होती हैं, अलग अलग अधिकरण होते हैं, मसौदे होते हैं, निविदा होती है, फॉर्म्स, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली, विधि, सेवाघर, डाक तार इत्यादि सब में विज्ञापनों की दुनिया, इन सब में हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का ही धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। और इसकी जो अलग अलग प्रयुक्तियां हैं मौखिक रूप में होती है, लिखित रूप में भी भाषा आ जाती है। और उसके अंतर्गत देखिए भोलानाथ तिवारी जी ने जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी के 7 रूप कहे हैं। पहला है बोलचाल की हिंदी, ज्यादा समय बोलते हैं हम। दूसरी है व्यापार, बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, वहाँ प्रयुक्त होने वाली हिंदी। फिर कार्यालय में कोई काम करने जा रहे हैं, बैंक के कार्यालय में जा रहे हैं, महाविद्यालय के कार्यालय में जा रहे हैं, अन्य कार्यालय में जा रहे हैं, वहाँ प्रयुक्त होने वाली हिंदी। फिर शास्त्रीय हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, साहित्यिक हिंदी है, सामाजिक हिंदी, ये 7 प्रकार भोलानाथ तिवारी जी ने कहे हैं। उनके उपरांत अन्य विद्वान हैं, वे कहते हैं कि सुरेश कुमार जी ये 6 प्रकार कहते हैं। एक है कोर हिंदी, आधारभूत हिंदी, ऑफिशियल हिंदी जैसे कार्यालय हिंदी कहा जाता है, टेक्निकल या तकनीकी हिंदी, वाणिज्य या कमर्शियल हिंदी, उसके उपरांत क्लासिकी या शास्त्रीय हिंदी और साहित्यिक हिंदी, ये उन्होंने 6 प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी के माने। इनके उपरांत गोवर्धन ठाकुर जी ने भी कुछ 7 अलग अलग प्रकार के प्रकार माने हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के, जिनके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहला माना है वो कार्यालयीन हिंदी, फिर सूचना या प्रचारात्मक हिंदी, औद्योगिक हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, योगपरक हिंदी, ये 7 प्रकार उन्होंने माने हैं। फिर इसके उपरांत आते हैं श्री आर एम श्रीवास्तव। आर एम श्रीवास्तव ने 6 प्रकार की हिंदी मानी है। उन्होंने मूलभूत या बेसिक हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, सामाजिक व्यवहार की हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, ये प्रकार इन्होंने माने हैं। जर्जर से हम समाप्त करेंगे आप देखिए। फिर दिलीप सिंह जी ने भी 5 प्रकार माने हैं, वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी, विधि या न्याय की हिंदी, प्रशासकीय कार्यालयीन हिंदी, जनसंचार माध्यमों की हिंदी, वाणिज्य और व्यवसाय की हिंदी। तो ये सारे रूप माने हुए हैं।
तो आप एक बात को ध्यान रखें कि साहित्य के अलावा जिन जिन क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग होता है उन सबको, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उनको प्रयोजनमूलक भाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है, जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है, मराठी में उपयोजित भाषा कहा जाता है, उसी को हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। ये विस्तार से बात है। आज हमने दो टॉपिक देखे, एक वैश्वीकरण और हिंदी, या वैश्वीकरण में हिंदी भाषा का महत्व, और दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी। आज की तासिका में यहाँ समाप्त करते हैं। कल की तासिका में हम साहित्य को आरंभ करेंगे। अब तक केवल भाषा को देखा हमने, कल से साहित्य को देखना आरंभ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।